नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेवनीज थ्योरम की। तो दोस्तों, लेवनीज थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले लेवनीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस, मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन यू है एंड दूसरा फंक्शन वी है, ठीक है, और मान लेते हैं कि दोनों ही फंक्शंस ऑफ एक्स हैं एंड दोनों ही फंक्शन कुछ इस तरह से हैं कि दोनों ही फंक्शंस के nth डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं, तब इन दोनों के प्रोडक्ट का यानी u और v के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, यही हमारी लेवनीज थ्योरम हमें बताती है। तो सपोज y इक्वल टू यू वी, तो इसका nth डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू लेवनीज थ्योरम ये क्या कहती है, दैट डी एन ओवर डी एक्स एन यू वी, इनका nth डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो इसे लेवनीज थ्योरम की हद से कुछ इस तरह से लिखेंगे, यू एन वी प्लस यू एन माइनस वन एन सी वन वी वन प्लस यू एन माइनस टू एन सी टू वी टू प्लस डॉट 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 प्लस चलते रहेगा ये एन सी एन यू डॉट वी एन। तो अब इसे प्रूफ करते हैं दोस्तों, लेवनीज थ्योरम के इस स्टेटमेंट को अब हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। सो प्रूफ बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके। सो लेट अस अज्यूम दैट y इक्वल टू यू वी, ठीक है, मान लिया कि u और v का प्रोडक्ट y के इक्वल टू है, देन फाइंडिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ यू वी, देन y1 विच इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ यू वी विल बी यू वी वन प्लस यू वन वी, ठीक है ना दोस्तों। सिंपली हमने चेन रूल अप्लाई किया यहाँ पे बाई चेन रूल, ठीक है। अगेन रीडिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रीडिफ्रेंशिएटिंग द अबव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या मिलेगा वाई टू इक्वल टू, पहले इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यू वन वी वन प्लस यू वी टू प्लस ये क्या हो जाएगा यू टू वी वन, इट्स नॉट वी वन, यू टू वी प्लस यू वन वी वन। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट दोनों सिमिलर हैं तो इनको प्लस कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा यू टू वी प्लस टू यू वन वी वन प्लस यू वी टू, एंड इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं अगर चाहें तो टू सी वन यू वन वी वन प्लस टू सी टू यू वी टू। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लेवनीज थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन एंड टू, सो दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन एंड टू, एंड नाउ हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करेंगे और देखेंगे। सपोज दैट द थ्योरम ऑफ लेवनीज इज ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, सपोज दैट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू m, देन द एक्सप्रेशन वाई एन इक्वल टू यू एन वी प्लस यू एन माइनस वन एन सी वन वी वन प्लस यू एन माइनस टू एन सी टू वी टू प्लस डॉट 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 विल बी फॉर एन इक्वल टू एम, द एक्सप्रेशन विल बी
वाई एम इक्वल टू यू एम वी प्लस यू एम माइनस वन एम सी वन वी वन प्लस एम सी टू यू एम माइनस टू वी टू प्लस डॉट 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 करेक्ट प्लस एम सी एम यू वी एम ओके। सो फ्रेंड्स, इस एक्सप्रेशन को हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग द अबव एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा वाई एम प्लस वन, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू, यहाँ ये वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यू एम प्लस वन वी प्लस, चेन रूल लगा रहे हैं हम इसके ऊपर, यू एम वी वन प्लस, ये वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा? एन सी सॉरी एम सी वन इस कांस्टेंट, तो इसको तो एज इट इज रहने देंगे। ये वाले को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यू एम वी वन को हमने छोड़ दिया, नेक्स्ट स्टेप में हम वी वन को डिफरेंशिएट करेंगे और इन दोनों को एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो एन सी वन यू एम माइनस वन एंड वी टू प्लस, अभी इस टर्म की बात करेंगे, यहाँ पे भी हमें चेन रूल लगाना है, तो यहाँ चेन रूल लगाएंगे तो क्या होगा? एम सी टू तो कॉन्स्टेंट पार्ट है, इसको एज इट इज़ रहने देना है। यू एम माइनस वन वी टू प्लस, नेक्स्ट पार्ट में इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम सी टू यू एम माइनस टू एंड वी थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि हम यहाँ से कुछ पेयर बन जाएगा। देखिए यू एम वी वन यू एम वी वन, नेक्स्ट टू टर्म्स से हमें क्या मिलेगा? यू एम माइनस वन वी टू यू एम माइनस वन वी टू, तो कॉमन वाले पार्ट्स हम कॉमन ले ले रहे हैं, जो चीज़ें कॉमन हैं इन टर्म्स के अंदर, यू एम प्लस वन वी, और ये हमारे कॉमन टर्म्स हैं, इनको बाहर ले लेंगे, वी वन यू एम, यहाँ हमें मिलेगा वन प्लस एम सी वन प्लस, सिमिलरली हमें यहाँ मिलेगा एम माइनस वन वी टू, और यहाँ पे एम सी वन प्लस यहाँ से एम सी टू, करेक्ट है ना? अभी क्या होगा? वी नो, सिंस वी नो, क्या जानते हैं हम? दैट वी नो दैट एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर क्या होता है? एम प्लस वन सी आर, ठीक है ना दोस्तों? तो हम इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को और सिमिलरली इसके आगे वाले जो एक्सप्रेशन हैं उनको किस तरह से लिख सकते हैं? वन प्लस एम सी वन कैन बी रिटन एज एम सी ज़ीरो प्लस एम सी वन कैन बी रिटन एज एम प्लस वन सी वन, ओके। एंड सिमिलरली हम इसे एम सी वन प्लस एम सी टू को इस तरह से लिख सकते हैं, एम प्लस वन सी टू। इसी तरह से जो दूसरे हमारे टर्म्स हैं उनको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रखते हैं अपने इस एक्सप्रेशन में, ये वाले एक्सप्रेशन में हम इन वैल्यूज़ को रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, वाई एम प्लस वन इक्वल टू ये यू एम प्लस वन वी, तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस यू एम वी वन, और ये चेंज हो जाएगा किस में? एम प्लस वन सी वन, और नेक्स्ट टर्म है हमारा यू एम माइनस वन वी टू, और जब इसे चेंज करेंगे ये वाला टर्म यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? एम प्लस वन सी टू, करेक्ट।
सिमिलरली आगे वाले टर्म्स भी हमारे चेंज होते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्म मिल रहा है हमको, ये ठीक वैसा ही है कि अगर हम n इक्वल टू m प्लस वन किस एक्सप्रेशन में रख दें, जो हमारा मेन एक्सप्रेशन है, दैट इज़ ये वाले एक्सप्रेशन में अगर आप n इक्वल टू m प्लस वन रखोगे तो ठीक आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। इससे क्या प्रूव होता है? दिस प्रूव्स दैट द लेबनीज़ थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द हायर वैल्यूज ऑफ n, दैट इज इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस वन एंड देयर फोर द लेबनीज़ थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, देयर फोर लेबनीज़ थ्योरम is true for any positive value, space कम हो रहा है, चलो इसे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, any positive value of n, okay friends। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो के बारे में आप कुछ भी मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंजीनियरिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।